हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है पूजा मौर्य एंड आज के वीडियो में हम बुक डिस्कस करेंगे हिंदू पैट्रियट और नील दर्पण को दोनों ही तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्लास के अंदर मैं जितना बता रही हूँ उतना सफिशियंट है तुम्हारा अगर कोई बुक है उससे पढ़ो टेस्ट पेपर सॉल्व करो सफिशियंट होगा हिस्ट्री का पेपर थोड़ा ट्रिकी हमेशा हर साल आता है इनफैक्ट इस साल भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर आया था बच्चे बहुत ज़्यादा नाखुश थे अपने हिस्ट्री को पेपर को लेकर बट कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग अपनी तैयारी जारी रखते हैं देखो टॉपिक है हिंदू पैट्रिएट अब मैं बड़ी गधी थी बचपन में मैं पैट्रिएट के पैरट को इमेजिन करती थी पैट्रियट बोले तो पैरट तोता एक्चुअल में नहीं पैट्रियट ये जो शब्द है ना पैट्रियोटिज्म तुम लोगों ने सुना है देशभक्ति वहीं से लिया गया है हिंदू देशभक्त ऐसा समझ सकते हो हिंदू पैट्रियट हिंदू देशभक्त ऐसा टाइप का तो ये बेसिकली जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि बोधनी पत्रिका जो न्यूज था उसका शुरुआत उमेश चंद्र दत्ता जी ने किया था वैसे ही हिंदू पैट्रियट का शुरुआत सिक्स जनवरी 1853 में मधुसूदन रॉय ये मधुसूदन ना नाम बहुत बार आएगा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा ध्यान दे देना मधुसूदन रॉय सरनेम पे जरा फोकस करो रॉय मधुसूदन रॉय और गिरीश चंद्र घोष इन लोगों ने मिलकर हिंदू पैट्रियट की शुरुआत की थी तो हिंदू पैट्रियट की शुरुआत किसने की थी मधुसूदन रॉय या गिरीश चंद्र घोष ने दोनों ने मिलकर के हिंदू पैट्रियट की शुरुआत की थी हिंदू पैट्रियट एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था एक इंग्लिश लैंग्वेज में छपने वाला न्यूज़पेपर था बम बोधनी पत्रिका तो बंगाली लैंग्वेज में छपता था राइट नाम से ही पता चल रहा है बम बोधनी पत्रिका बट हिंदू पैट्रियट को सुन के तुम ऐसा मत सोचना कि ये हिंदी लैंग्वेज में छपता था ऐसा कुछ ये एक न्यूज़पेपर था जो हर हफ्ते छपता था इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक है इसके पहले एडिटर इस न्यूज़पेपर के पहले एडिटर इनका नाम सुन लो गिरिश चंद्र घोष यस यही जो फाउंडिंग मेंबर भी थे वही इसके पहले एडिटर भी बने लेकिन एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है हिंदू पैट्रिएट के फेमस एडिटर कौन थे चंद्र मुखर्जी या मुखोपाध्याय ध्यान से सुनना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि हिंदू पैट्रियट ये जो न्यूज़पेपर है इसके पहले एडिटर फर्स्ट एडिटर गिरीश चंद्र घोष लेकिन इनके एडिटरशिप के कारण हिंदू पैट्रियट ये जो न्यूज़पेपर है ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि एडिटर का क्या काम होता है एडिटर का ही तो काम है कि आर्टिकल्स को छापना अपने ओपिनियंस को रखना तो शायद गिरिश चंद्र घोष उसमें थोड़े कम रह गए होंगे वो अपने ओपिनियंस को इतना आ, इतने बेहतरीन तरीके से नहीं छाप पाते थे जिसके कारण ये इतना फेमस नहीं हुआ लेकिन किसके एडिटरशिप के अंदर हिंदू पैट्रियट ने मतलब आग लगा दिया हर जगह दैट इज चंद्र मुखर्जी तो याद रहेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदू पैट्रियट के पहले एडिटर गिरिश चंद्र घोष फेमस एडिटर लेकिन गिरिश चंद्र घोष नहीं थे फेमस एडिटर है हरिश चंद्र मुखर्जी इनके एडिटरशिप के अंदर हिंदू पैट्रियट ने भाई आसमान छुए हैं तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या क्या बात लिखा इस हिंदू पैट्रियट के न्यूजपेपर में याद रखना 1855 को हरिश चंद्र मुखर्जी एडिटरशिप में आए यानी एडिटर बने अब कुछ चंद साल तक यही एडिटर थे मतलब कुछ चंद सालों तक यही अपना एडिटरशिप संभाल रहे थे हिंदू पैट्रियट का ओपिनियंस लिख रहे थे तो हिंदू पैट्रियट का वर्कस क्या क्या है अब हम लोग देखना चाहते हैं कि हिंदू पैट्रियट का वर्क्स क्या क्या था यानी यानी हरीश चंद्र मुखर्जी ने जो कि हम कह रहे हैं कि बहुत ही फेमस एडिटर थे इन्होंने हिंदू पैट्रियट को भाई आसमान में अगर पहुंचाया था तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या क्या छापा हिंदू पैट्रियट के अंदर तो तुम लोग जानते हो लॉर्ड दलाउजी के बारे में लॉर्ड दलाउजी गवर्नर जनरल लॉर्ड दलाउजी ने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ लेकर आए थे इंडिया के अंदर और ये सारे के सारे पॉलिसीज़ बेटा बहुत ज़्यादा बेकार होते थे इन्होंने जीना हराम कर दिया था हर इंडियन का और इसी के अगेंस्ट हरीश चंद्र मुखर्जी अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट में छापते हैं कि लॉर्ड दलाउज़ी इतना बेकार इंसान है कि इसके सामने तो भाई शैतान भी शर्मा जाए तो तुम लोग समझ समझ सकते हो कि कितनी घनघोर बेजती करी थी कि ये इंसान इतना ज़्यादा गंदा है इतना बेकार है कि इसके सामने शैतान भी बोले कि हाय राम लॉर्ड दलाउजी तो मेरे मेरे से भी ज़्यादा बेकार है एग्जैक्ट स्टेटमेंट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रेट में लिखे थे उन्होंने लिखा था लॉर्ड रेकलेस एंड फोर्सिबल रूल पुट्स इवन द डेविल टू शेम जिस प्रकार का अत्याचार लॉर्ड दलाउजी करता है इसके सामने तो शैतान भी फेल है ये बात हरिश्चंद्र मुखर्जी ने ओपनली अपने न्यूज़पेपर में लिखा था बहुत बड़ी बात होती है बाय द वे ओपनली छापना इतना बड़ा स्टेटमेंट किसी अंग्रेज के खिलाफ क्योंकि अंग्रेजों का ही तो रूल चल रहा था उन्हीं के खिलाफ इतनी बड़ी स्टेटमेंट को छाप देना ओपनली बहुत बड़ी बात है और लोग इससे अग्री कर रहे थे यस यस हरिश्चंद्र मुखर्जी यू आर राइट right. लॉर्ड दलाउजी बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी है इतना अत्याचारी रूलर है कि इसके सामने तो अब शैतान भी शर्मा जाएगा ये बात सच है लोग इनके स्टेटमेंट से अग्री भी कर रहे थे बात समझ में आ रहा है दूसरी बात हरिश्चंद्र मुखर्जी ने यह तक कहा अपने न्यूज़पेपर के अंदर कि भाई अंग्रेज़ों के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई अत्याचार करता है हमारे इंडियंस के ऊपर हमारे इंडियन फार्मर्स के ऊपर तो वो है ज़मींदार यानी लैंड अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अत्याचार जो करता है वो है लैंड और ये बात इन्होंने मुंह पे बोल दिया अपने पेपर में तो समझ लो बेधड़क इंसान थे इनसे कुछ सीखना चाहिए मुंह पे बोल देने का छुपाने का नहीं तो ये कुछ इस तरीके से अपने न्यूज़ पेपर में ये सारी बातों को लिख देते थे इन्होंने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट के अंदर ये भी लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल है एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या क्या कमियां हैं क्या क्या कमियां? मतलब दीदी कमियां ही कमियां थी यस yes, इन्होंने बहुत सारी पॉइंट पॉइंट आउट किया कि भाई ज़मींदारी सिस्टम में क्या फ़्लॉज़ हैं ये सारे अलग अलग पॉलिसीज़ में क्या क्या फ़्लॉज हैं इन्होंने पॉइंट आउट किया अंग्रेज़ों का जितना भी पॉलिसीज सिस्टम्स एग्जिस्ट करता था अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया था उसमें कमियां इन्होंने ओपनली अपने न्यूज़पेपर के अंदर निकाला और तुम लोग अगर मेरा चैप्टर थ्री का वीडियो देखे हो तो तुम लोग जानते हो कि एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था इंडिगो रिवोल्ट जहाँ पर अंग्रेजी जो अंग्रेजी एजेंट्स थे ब्रिटिश एजेंट्स जिनको हम कहते हैं इंडिगो प्लांटर्स उन लोगों ने फोर्स करके हमारे प्यारे प्यारे किसानों से उन किसानों को हम कहते हैं इंडिगो कल्टीवेटर्स उनसे ज़बरदस्ती करके इंडिगो जो प्लांट होता है वो उगवाया था बात समझ में आ रहा है मैं दो शब्द यहाँ पे ले रही हूँ इंडिगो प्लांटर इंडिगो कल्टीवेटर मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है बट यहाँ अगर ऊपर ऊपर से बताऊँ तो इंडिगो प्लांटर हम उन लोगों को बोलते हैं जो अंग्रेजों के चमचे थे और ज़बरदस्ती इंडिगो उगवा रहे थे और इंडिगो पीजेंस हम उन लोगों को बोलते हैं जो लोग अंग्रेजों के अंदर आकर के जबरदस्ती होने के कारण इंडिगो उगा रहे थे बेसिकली हमारे बेचारे फार्मर्स को हम इंडिगो पीजेंट्स बोलते हैं इंडिगो कल्टीवेटर्स बोलते हैं और जो अत्याचारी लोग थे जो अंग्रेजों के एजेंट्स थे उनको हम इंडिगो प्लांटर्स बोलते हैं तो हम जानते हैं कि इंडिगो प्लांटर्स और इंडिगो कल्टीवेटर्स के बीच में बहुत महासंग्राम महायुद्ध हुआ था है ना हम लोग जानते हैं इंडिगो रिवोल्ट नाम से तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने खुले में आकर इंडिगो के जो हमारे बेचारे किसान थे इंडिगो पीजेंस उनका सपोर्ट किया और इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट बातें लिखी तो हरिश्चंद्र मुखर्जी बहुत ही ज़्यादा बेधड़क इंसान थे अपना ओपिनियन को सामने रखने से बिल्कुल भी घबराते नहीं थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट में ये बात साफ़ तौर पे कहा कि लॉर्ड दिलाउजी कितना ही बेकार रूलर है कि उसके सामने एक शैतान भी जो है शर्मा सकता है दूसरी बात इन्होंने वॉइस अगेंस्ट मतलब इन्होंने अपने आवाज़ें उठाई ज़मींदार्स के अगेंस्ट ये कहते हुए कि अंग्रेज़ों के बाद अगर सबसे बड़े अत्याचारी कोई है तो वो ज़मींदार है तीसरी बात इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स थे उसमें जो कमियाँ थी जो फ्लॉज थे उसके, उसको उसको पॉइंट आउट किया और पॉइंट आउट करने से घबराए नहीं ओपनली बताया कि इस पॉलिसी में क्या खराबी है इस सिस्टम में क्या खराबी है बहुत ही बेधड़क इंसान थे जैसा कि मैंने बताया तुमको और लास्ट में जो हम जानते हैं कि इंडिगो पीजन्स और इंडिगो प्लांटर्स के बीच में रिवोल्ट हुआ था उसमें इंडिगो पीजेंस यानी हमारे बेचारे फार्मर्स का खुले में आकर सपोर्ट किया हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पेपर में हर वक्त वो छापते रहे कि, कि किस प्रकार इंडिगो पीजेंस के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है किस प्रकार हमारे फार्मर सफ़र कर रहे हैं ये बात ओपनली अपने न्यूज़ में उन्होंने छापते रहे एट लास्ट जो इंडिगो प्लांटर्स थे यानी कि वो अंग्रेज़ के चमचे उनको ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की बात पसंद नहीं आई इन्होंने कोर्ट केस फाइल कर दिया हरिश्चंद्र मुखर्जी के अगेंस्ट और अल्टीमेटली हरिश्चंद्र मुखर्जी कोर्ट केस में हार गए और उसी के कुछ समय बाद 1861 में इनकी मौत भी हो गई उसके बाद जो एडिटरशिप है ये भी इम्पोर्टेंट है हरिश्चंद्र मुखर्जी के बाद जो एडिटरशिप है हिंदू पैट्रिएट का वो चला गया कृष्णादास जी के हाथ में तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के बाद जो एडिटर है वो है कृष्णादास ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडिटर है ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बट जो फेम जो फेम हिंदू पैट्रियट ने पाया है वो हरिश्चंद्र मुखर्जी के कारण पाया हरिश्चंद्र मुखर्जी अगर नहीं होते तो शायद हिंदू पैट्रियट हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड नहीं होता शायद वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता लेकिन उस समय जितने भी चीज़ें हो रही थी उसके बारे में ओपनली सामने आना ये भाई हरिश्चंद्र मुखर्जी से कोई सीखे ठीक है अब हम लोग डिस्कस करते हैं नील दर्पण के बारे में बड़ा ही छोटा सा तुम लोग देख पा रहे हो क्यों छोटा सा है वैसे तो टॉपिक बड़ा है लेकिन नील दर्पण को समझने से पहले तुमको इंडिगो रिवोल्ट को समझना होगा तो तुम क्या कर सकते हो तुम इस कॉन्सेप्ट को ड्यू लिख सकते हो सो so दैट जब तुम चैप्टर थ्री के अंदर इंडिगो रिवोल्ट पढ़ोगे तो फिर तुम इस वाले कन्सेप्ट को पढ़ सकते हो बिकॉज इंडिगो रिवोल्ट जाने बगैर तुम नील दर्पण को नहीं समझ पाओगे इंडिगो रिवोल्ट जैसा कि अभी मैंने तुमको थोड़े देर पहले बताया ये हमारे जो किसान थे इंडियन फार्मर्स जिनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था इनको हम बोलते हैं इंडिगो पीजेंस या इंडिगो कल्टिवेटर्स और वो जो अंग्रेज के एजेंट्स थे जो जबरदस्ती उगवा रहे थे इंडिगो उनको हम बोलते हैं इंडिगो प्लांटर्स तो बेसिकली ये ज़बरदस्ती उगवाने वाले लोग और हमारे बेचारे किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था 1860 में और इसी के बारे में ये पूरा का पूरा एक प्ले लिखा गया था प्ले क्या होता है जैसे तुम लोग ड्रामा वगैरह देखते हो नाटक वगैरह जो छोटे से स्टेज पे लगा कर नाटक होता है तो उसके पीछे का जो पूरा स्क्रिप्टिंग वगैरह होता है उसी को हम लोग प्ले बोलते हैं तो इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर पूरा का पूरा एक बंगाली प्ले था नील दर्पण नील दर्पण कोई न्यूज़पेपर नहीं था कोई जर्नल नहीं था कोई मैगजीन नहीं था ये एक बंगाली प्ले था तो ये भी याद रखना है कि एक बंगाली प्ले था जिसमें क्या होता था जिसमें लिटरली इंडिगो पीजेंस के साथ यानी हमारे बेचारे बेचारे किसान के साथ जो जो अत्याचार हुआ उसको नाटक के रूप में स्टेज लगाकर सामने सबके सामने रखा जाता था और लिटरली ये बोला जाता है कि जब हमारे बेचारे किसान स्टेज पे होते हुए इस प्ले को इस नाटक को देखते थे तो उनको लगता था कि ये कोई नाटक नहीं हो रहा है ऐसा लगता था कि ये रियलिटी है सपोज मैं एक किसान हूँ मैं एक कल्टिवेटर हूँ जिसपे ज़बरदस्ती अंग्रेजों ने दबाव क्रिएट किया है इंडिगो उगाने के लिए जिसको दो वक्त का रोटी नहीं है सही से खाने के लिए बट वो इंडिगो उगा रहा है बिकॉज अगर वो नहीं उगाएगा तो उसको मार दिया जाएगा ये जब हर एक फार्मर को इंडिया के फार्मर को सहना पड़ रहा था बहुत अंदर कष्ट था और जब अल्टीमेटली हर फार्मर ये इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर ये जो नील दर्पण नाम का ये जो नाटक है स्टेज पे ये जब होते हुए देखता था बिल्कुल इमेजिन करो जैसे ड्रामा हो रहा है कोई इंडिगो पीजेंट बनाए कोई इंडिगो कल्टीवेटर बनाए और ऐसे ड्रामा चल रहा है और यहाँ नीचे बैठ के ऐसे इंडिगो कल्टीवेटर असली वाला वो देख रहा है इस ड्रामा को होते हुए उसको रोना आ जाता था उसको लगता था कि यार ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है ये हमारी असलियत को नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है और लोगों का आंख खुला कि यार ये ये अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया है तो नील दर्पण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जब तुम लोग इंडिगो रिवोल्ट के बारे में समझ लोगे जो कि ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है चैप्टर थ्री के ऊपर तभी तुम लोग ये वाला पार्ट समझ पाओगे ठीक है तो इंडिगो जो रिवोल्ट था उसमें जितना भी अत्याचार हर फार्मर ने हर किसान ने हर कल्टिवेटर ने सहा था जब उसी चीज़ को ड्रामा के रूप में प्ले के रूप में प्रस्तुत किया गया तो लोगों के भर भराए उनको लगा कि ये कोई रियालिटी है समझ में आ रहा है एंड याद रखना ये जो ड्रामा था ये बंगाली प्ले इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था ढाका में 1860 में ढाका इज इंपॉर्टेंट ढाका आज बांग्लादेश में हम जानते हैं लेकिन उस समय बंगाल का पार्ट था नाउ अंडरस्टैंड तो दीदी ये प्ले लिखा किसने था इतना दर्दनाक प्ले लिखा किसने दीना बंधु मित्रा ने फिर ये सोचा गया कि यार ये बंगाली प्ले है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलाना है तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन बंगाली लोग हैं वो भी हमारे दर्द को समझ सके और यही सोचते हुए अल्टीमेटली माइकल मधुसूदन दत्ता याद रखना मधुसूदन नाम अभी दोबारा आया था है ना इंदू पैड्रेट में मधुसूदन रॉय आया था यहाँ पे माइकल मधुसूदन दत्ता इन्होंने नील दर्पण नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और याद है तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जब कोई बंगाली प्ले बंगाली ड्रामा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उसका टाइटल को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसलिए नील दर्पण का जो टाइटल है हेडिंग है उसको चेंज करके इंडिगो मिरर कर दिया गया था जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था तो, तो दीदी नील का मतलब नील का मतलब यहाँ पे इंडिगो से है नील की खेती इंडिगो इंडिगो एक प्लांट होता है एंड दर्पण क्या होता है दर्पण मीन्स टू लुक टू सी मिरर हम लोग जानते हैं ना शीशा में हम क्या देखते हैं सच्चाई तो होती है शीशा में जो दिखता है ऐसा तो नहीं कि मेरा चेहरा डिफरेंट है उससे जैसे हम होते हैं वैसे शीशा में दिखते हैं तो नील दर्पण बेसिकली जैसा इंडिगो रिवोल्ट था उसी दर्द को एक प्ले के रूप में प्रस्तुत किया था इसलिए इसका नाम था नील दर्पण और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और नाम रखा गया था इंडिगो मिरर ट्रांसलेट किसने किया था ये एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाता है माइकल मधुसूदन दत्ता ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था अब याद रखना ये ट्रांसलेट किए थे बट ऑल इंडिया लेवल पर इसको छापना भी तो पड़ेगा तो अल्टीमेटली इट वॉज पब्लिश बाई रेवरेंड जेम्स लॉन्ग तो यहां पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है नील दर्पण एक बंगाली प्ले था पहली बार ढाका में परफॉर्म किया गया था और टोटली बेस्ड था इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर इसको किसने लिखा था दीनाबंधु मित्रा ने लिखा था इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था माइकल मधुसूदन दत्ता और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसका नाम के इसका टाइटल क्या था इंडिगो मिरर ट्रांसलेशन तो माइकल मधुसूदन दत्ता जी ने किया था लेकिन अल्टीमेटली पब्लिश कौन कर पाया इसको पब्लिश कर रहे थे रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ठीक है इतना ही बात इंपॉर्टेंट है लेकिन इस बात को और ज्यादा फील करने के लिए इंडिगो रिवोल्ट का वीडियो प्लीज देख लो चैप्टर थ्री का प्ले में तुमको दिखा